फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम अल्टीवर 12 जो स्नाइडर की ड्राइव है उसकी कंट्रोल वायरिंग और प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है, थ्री वायर और टू वायर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और खासतौर से इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्राइव की कनेक्शन डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल फेज की ड्राइव है तो यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो सिंगल फेज का होगा और इसमें जो आउटपुट है वो थ्री फेज आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पे UBW यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो कनेक्शन किए जाते हैं वो डेल्टा में कनेक्शन किए जाते हैं। डेल्टा में जो मोटर में कनेक्शन होंगे वो डेल्टा में होंगे, जो हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे उसके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया जाता है। पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट आउटपुट होते हैं उसके यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये टर्मिनल है L1 से लेके L4 तक जो कनेक्शन होते हैं वो डिजिटल टर्मिनल होते हैं और यहाँ पे NPN या PNP मोड लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको वर्क करा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो दिया है वो ऑक्सिलरी पंप के लिए बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई दी जा सकती है। यहाँ पे हम ड्राइव के कनेक्शन डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे इसके टर्मिनल दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसके कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा स्टार्ट, फॉरवर्ड और रिवर्स के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। L1, L2 उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट, फॉरवर्ड, स्टार्ट, रिवर्स के स्विच से या सिलेक्टर स्विच का यूज़ करके यहाँ पे उनको कनेक्ट किया है। और 24 यहाँ PNP सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ कॉमन जाएगी और इसके जो आउटपुट होंगे L1 और L2 में जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पोटेंशियोमीटर के तीनों टर्मिनल के कनेक्शन कर दिए जाते हैं, 5 वोल्ट AI1 और कॉमन के बीच में कर दिए जाते हैं। और इसके साथ यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई जो MCB दी हुई है इससे कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे हम थ्री वायर के अगर हम कनेक्शन करना चाहते हैं और सिंक मोड में करना चाहते हैं, सिंक मोड मतलब यहाँ पे नेगेटिव मोड पे, यानी कॉमन से जो सप्लाई आएगी वो L1 में जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमको जब कनेक्शन करना है तो उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, उसके बाद फुल में जाएंगे, फिर इनपुट आउटपुट और फिर NPL करके नेगेटिव मतलब नेगेटिव मोड पे चले जाएंगे। इस प्रकार इसकी वायरिंग की जाती है और हम इसको आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से इसके कीपैड का यूज़ किया जाता है, इसमें प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ और इसके अब बारे में और भी अच्छी तरह से आपको अगर जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस ड्राइव के मैनुअल की लिंक डली हुई है जिसको आप ओपन करेंगे तो इसकी PDF फॉर्म में ड्राइव का मैनुअल ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टू वायर कनेक्शन की। टू वायर कनेक्शन के लिए भी यहाँ पे L1 और L2 से कनेक्ट किया जाएगा 24 वोल्ट के लिए। और इसके बाद यहाँ कॉन्फ़िगरेशन और फुल फंक्शन RRS और L2H यहाँ टू वायर कनेक्शन है इसलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग की जाती है। और यहाँ पे 4 to 20 mA सोर्स को अगर हमको इसमें कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे 4 to 20 mA को कनेक्ट करना है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, उसके बाद फुल मोड में जाएंगे, फिर इनपुट आउटपुट में जाएंगे। यहाँ पे AI1 और AI1E और 0 एम्पियर में जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 0 एम्पियर, जीरो क्योंकि 0 to 20 mA के हिसाब से यहाँ पे सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वायरिंग की जाती है। सबसे पहले हम इसके टर्मिनल को समझ लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कॉमन AI1 और 5 वोल्ट के बीच में कनेक्शन किए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे कंट्रोल वायरिंग्स भी की गई है जो 24 वोल्ट और L1 और L2 के बीच में की गई है। अब हम इसके कीपैड को देख लेते हैं। यहाँ पे कीपैड दिया हुआ है, कवर है इसके पीछे भी, इसकी पूरी ड्राइंग दी होती है कि हमको किस प्रकार से इसकी वायरिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को भी समझ लेते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। अगर हमको सबसे पहले रेडी कंडीशन में होगा तो अगर हम इसको हैंड ऑन में घुमाना चाहते तो ये कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे सेंटर बटन दबाएंगे और ये अभी पोटेंशियोमीटर को चेक करने के लिए कि हमारा पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे रेफरेंस में जाके हम पोटेंशियोमीटर को चेक कर सकते हैं, जैसा कि ये इसको पोटेंशियोमीटर को हम मूव करा रहे हैं तो ये रेफरेंस पे जाके काम कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे एस्केप बटन दबाएंगे और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में फुल, फिर उसके बाद इन और
इसके बाद यहाँ पे NPN यहाँ फंक्शन में जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे RRS आएगा, जो RRS है वहाँ L3H यानी थ्री वायर के कनेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ हम L2H करके इसको इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे एस्केप की का यूज़ करके, और अब हम यहाँ पे पुश बटन दबा के पोटेंशियोमीटर की इसकी स्पीड घटा और बढ़ा के भी देखेंगे। और पोटेंशियोमीटर सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे फुल एफ और यहाँ पे AI1 जैसा कि इसमें दिया हुआ है, यहाँ 5 वोल्ट होना चाहिए। 5 वोल्ट अगर 420 मिली एम्स 0 वोल्ट या 5 वोल्ट तक आपको पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है तो 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे और यहाँ से बैक हो जाएंगे। यानी पोटेंशियोमीटर सेलेक्ट करने के लिए ये प्रोग्रामिंग की जाती है। और यहाँ पे दोनों पुश बटन यूज़ किए गए हैं, नॉर्मली ओपन टाइप का। जब हम इसको एक बटन दबाते हैं तो ये रिवर्स मोड पे चलेगी। ये बटन दबा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको पोटेंशियोमीटर पहले इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। एक हाथ से इसको बटन दबाएंगे और एक हाथ से पोटेंशियोमीटर घुमा के हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे माइनस जो दिख रहा है माइनस मोड में, यानी ये अपोजिट घूम रही है, मोटर यहाँ पे अपोजिट घूम रही है, नहीं रिवर्स मोड पे काम कर रही है। और हम जब दूसरा पुश बटन दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड मोड पे घूमने लगेगी। यहाँ पे टू वायर कनेक्शन में रिवर्स और फॉरवर्ड मोड पे हम पुश बटन का यूज़ करके इसको आसानी से घुमा सकते हैं। इसके अलावा इसमें PLC से भी कमांड दिया जा सकता है उसके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अब दोबारा हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, अगर हमको इसको चेंज करना है तो। अब हम इसको दोबारा दूसरे प्रोग्राम में सेट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, उसके बाद फुल, फिर इंटर, फिर फंक्शन RRS, और इसको थोड़ा सा करीब से हम देख लेते हैं। इसको इंटर करते हैं L2H, L2H को L3H 4H भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अब हम इसको L3H में कनेक्ट करेंगे, L3H में सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे केवल एक ही घूमेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये VFD वर्क करेगी, यानी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही घुमाएगी। और ये रिवर्स मोड पे यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं होगा, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फंक्शन करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम इसको मैनुअल मोड पे चलाना ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसका मेन्यू बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो यहाँ पे LED अप डाउन ब्लिंक करने लगेगी। और ये हम यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियोमीटर है इसमें जो इसकी VFD के फ्रंट कवर पे जो पोटेंशियोमीटर है वो काम करने लगेगा, और हमने जो इसमें अलग से कनेक्ट किया वो पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा। और यहाँ पे इसके जो पुश बटन है इसमें जो VFD में लगे हैं स्टार्ट और स्टॉप वाले पुश बटन रिसेट, ये वर्क करेंगे इसको ऑपरेट कराने में। इस प्रकार ये हैंड और ऑटो दोनों मोड पे वर्क करती है VFD, किस प्रकार से इसको कर सकते वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। अब हम इसके कनेक्शन एक बार और आपको समझा देते हैं लास्ट में। यहाँ पे मोटर के कनेक्शन यहाँ पे हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, मोटर का टर्मिनल दिया हुआ है। यहाँ पे हम जो भी तीनों वायर निकलेंगे यहाँ पे थ्री फेज जो मोटर लगी है उसको हम डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे सिंगल फेज की ड्राइव है और हम यहाँ पे डेल्टा में कन्वर्ट करके सिंगल फेज से मोटर को ऑपरेट कराते हैं, जैसा कि यहाँ इसमें टर्मिनल दिए हुए हैं। तो और यहाँ पे तीनों वायर जो हैं यहाँ पे डेल्टा में मोटर्स कनेक्ट हैं। इस प्रकार आपने इस वीडियो में समझा कि LTWR 12 ड्राइव के किस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टू वायर थ्री वायर
और इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे दी गई है। और इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मैनुअल का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप PDF फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और वेल आइकन और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए वेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।